guys, welcome back to my channel Makeup Mantha. It's me, Rajni Patel. Kimcho. इस वीडियो में मेरा टाइटल देख के आपको एकदम समझ में आया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है. फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज के इस वीडियो में आपको बहुत काम आने वाली बात बताने जा रही हूँ. बहुत लोगों के मन में ये चीज़ बात आती है कि हम लोग को डार्क सर्कल्स के बारे में जैसे काफ़ी सारे रेमेडीज यूज़ करते हैं, बट उन लोगों को मतलब सीधा उसका अच्छा रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलता. हम लोग मार्केट में शॉप पे भी ब्रांडा आई एरिया के लिए बहुत सारे डार्क सर्कल्स की क्रीम लेते हैं, बट वो हम लोग अप्लाई करते हैं लेकिन इतना उसके कुछ खास रिजल्ट नहीं आते. लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जो आपके लिए 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी और आप घर पर ईजिली उसका अवेलेबल भी रहेगा और आप उसको जब करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट 1 वीक के अंदर आपको दिखा हुआ मिलेगा. आज के डेट में 99.9% लोगों के डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स होती है. ये सब क्यों होता है, सबसे पहले मैं उसका रीज़न बताने जा रही हूँ. सबसे फर्स्ट रीज़न है हम लोगों का पानी की कमी. हम लोग बहुत कम पानी पीने की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं. सेकेंड होते हैं टेंशन एंड स्ट्रेस वाली लाइफ. जो हम लोग की बहुत बिजी वाली लाइफ रहती है, हम लोग को बहुत टेंशन एंड स्ट्रेस रहता है, उस वजह से भी होती है. थर्ड होती है हमारी नींद पूरी नहीं होना. सबसे मेन रीज़न यही है कि हम लोग अगर अपने 8 आवर्स को अपने लाइफ में अगर इंक्लूड नहीं करते, 8 आवर्स हम लोग की नींद पूरी नहीं होती है, उस वजह से भी हम लोग की डार्क सर्कल्स की हम लोग के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते. तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रही हूँ. तो उसके लिए अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब. सो लेट्स गेट स्टार्ट. इसके लिए हमें 2 रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एक ककम्बर एंड दूसरा मैं 2 ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ. सो सबसे पहले हम लोग ककम्बर को जो होता है वो कट करेंगे. इसके साइड के जो पील्स होते हैं उन सबको निकाल देंगे हम लोग. और इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे. अब ये पीसेस करने के बाद में हम लोग इसके जूस निकालेंगे. करने के बाद में मैंने ककम्बर को मैंने ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद में कि इस तरह से इसका दरदरा मैंने पेस्ट बना लिया है. अब इसे हम लोग फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर करने के बाद में ये इस तरह से इसका जूस निकल गया है. अब जूस निकलने के बाद में हम लोग ये जो ब्रेड के स्लाइस आप देख रहे हैं इसके हम लोग राउंड कट कर लेंगे. आप कोई भी तरह का बोल ले सकते हैं जिससे आपका राउंड शेप में कट हो सके आपका ब्रेड की स्लाइसेस. स्लाइसेस मैंने बना लिए हैं और इसे मैंने जो ककम्बर का जो जूस निकाला था उसके अंदर डीप कर लेंगे. इस तरह से मैं इसके जूस निकाल के साइड में रख रही हूँ. ये जूस को जितना भी है वो निकाल देंगे. स्लाइस को अपने आई एरिया पर हम लोग लगा के 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेंगे. इसके बाद में हम लोग उसको हटा के रिमूव कर लेंगे. रेमेडी आपको बताई है ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है. आप लोग सबको इस रेमेडी को जरूर से अप्लाई कीजिएगा. आपको खुद को इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके अंडर आई एरिया में बहुत फ़र्क दिखेगा. डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर आपको रिमूव होता हुआ दिखाई देगा. मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपने फैमिलीज में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के थ्रू उसका फ़ायदा मिल सके. वीडियो को एक बिग थंब देना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइज़.